चैप्टर नंबर 19 की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये एक बेसिक चीज़ का पता होना चाहिए कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, द मोस्ट ऑब्वियस चेंज इज ग्रोथ, द प्रोग्रेसिव चेंज विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर इट्स एडल्ट फॉर्म फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट। आपने इसे आसान अल्फाज में जो याद रखना वो ऐसे रखना है कि सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के अंदर क्या आता है, डी आता है या जी आता है। तो जो डी है वो सबसे पहले आता है, तो इसका मतलब है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होगी, डिवेलपमेंट होगी। इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट है। द प्रोग्रेसिव चेंज विच आर अंडरगोन बिफोर एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स इट्स एडल्ट फॉर्म कॉन्स्टिट्यूट एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट, कि एडल्ट फॉर्म अटेन करने से पहले, एक्वायर करने से पहले पहले जो चेंजिंग्स होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहेंगे। और उसके बाद डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद जो स्टेज आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और जो हमारे पास ग्रोथ है वो क्या होती है, परमानेंट होती है। क्या होती है ग्रोथ, क्या होती है, परमानेंट होती है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। तो आपने कैसे याद रखना है कि सबसे पहले इंग्लिश के अल्फाबेट्स में डी आता है, तो सबसे पहले ह्यूमन बींग्स होगी या कोई भी चीज़ होगी उनके अंदर क्या होगी, डिवेलपमेंट होगी। डिवेलपमेंट के बाद क्या होगा, जिस तरह की इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में डी के बाद अगर हम सीक्वेंस वाइज जाते रहें तो बाद में जी आता है, तो बाद में क्या होगी, ग्रोथ होगी। और ग्रोथ हमारे पास किस्म की है, परमानेंट है और इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है। अब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स के, प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे हो रही है। इन प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व सेल डिवीजन, इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स इनटू टिश्यूज एंड देन ऑर्गन्स। के प्लांट्स के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के जरिए क्या हो रहा है, सेल डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड होने के बाद इलोंगेट हो रहे हैं और उसके अलावा डिफरेंशिएट हो रहे हैं। ठीक है, अपने अपने काम के हिसाब से डिफरेंशिएट हो रहे हैं कि किस तरह के सेल्स ने क्या काम करना, उस हिसाब से डिफरेंशिएट हो रहे हैं और फिर डिफरेंशिएट होके किसके अंदर टिश्यूज बना रहे हैं और बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, हमारे पास ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज एंड डिवेलपमेंट इज अ प्रोग्राम्ड सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम अ सिंपलर टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म। जैसे कि हमने पहले बात करी थी कि सबसे पहले क्या होगा, डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, ग्रोथ होगी। और ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज है। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज अ प्रोग्राम सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम अ सिंपलर टू मोर कम्प्लेक्स फॉर्म। इसे मैं आसान तरीकों से आपको इस तरह समझा सकता हूँ कि अगर इंसान अपने बनने की तरफ देखे कि वो कैसे बना है, तो सबसे पहले एक स्पर्म और एक एग आपस में मिलते हैं, तो ये एक थोड़ा सा यानी सिंपल फॉर्म है। फिर क्या होता है कि सेल डिवाइड होते हैं, इलांगेट होते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और फिर क्या हो जाता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है जो कि एक कम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो डिवेलपमेंट के अंदर क्या हो रहा है, सीरीज ऑफ स्टेजेस हैं, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हो रही है। और जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और फिर उसके बाद जो एक एडल्ट फॉर्म अटेन हो जाएगी, उसके बाद क्या शुरू हो जाएगी, हमारी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इस तरह हम एक और बात को कह सकते हैं कि अगर कोई एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसका जो बिजनेस है, तरक्की करने से पहले डेवलपमेंटल स्टेज में होगा और जब वो तरक्की कर लेगा तो तब उसका बिजनेस क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। अ प्लांट हैज ग्रोथ पैटर्न कॉल्ड ओपन ग्रोथ्स, कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ का पैटर्न है उसे क्या कहते हैं, ओपन ग्रोथ कहते हैं। मतलब कि थ्रू आउट द लाइफ, पूरी जिंदगी ये होता रहता है, कभी भी प्लांट की जो ग्रोथ है नहीं रुकती। द प्लांट्स एड्स न्यू ऑर्गन सच एज ब्रांचेस लीव्स रूट्स इनलार्जिंग फ्रॉम द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट, बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। के यही कहा जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं पूरी जिंदगी अपने न्यू ऑर्गन जैसा कि ब्रांचेस लीव्स और रूट्स को अपने साथ ऐड अप करते जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है
ये जो इनलार्जिंग फ्रॉम टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट है, ये एक कांस्टेंट रेट पे नहीं हो रही, कभी एक यानी कि कम होती है, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, एट द बिगिनिंग द ग्रोथ इज स्लो, कि शुरू में ग्रोथ क्या होती है, स्लो होती है, बट ग्रेजुअली इट बिकम्स रैपिड, अटेन्स अ मैक्सिमम, देन ग्रेजुअली स्लो डाउन. ठीक है, कि सबसे पहले जो हमारे पास ग्रोथ है वो क्या है, स्लो है. स्लो होने के बाद क्या होगी कि इसने रैपिड हो जाना है, तेज हो जाना, और उसके बाद इसने अपनी मैक्सिमम यानी कि कैपेसिटी पे चले जाना है. और फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी. इन वैस्कुलर प्लांट्स ग्रोथ अक्कर थ्रू दी एक्टिविटीज ऑफ मेरिस्टेम. के जो हमारे पास वास्कुलर प्लांट्स है, वास्कुलर प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम होती है, उन्हें क्या कहेंगे हम, वास्कुलर प्लांट्स कहेंगे. उनके अंदर ग्रोथ किसके जरिए हो रही है, ग्रोथ किसके जरिए हो रही है, मेरिस्टेम्स की मदद से हो रही है. मेरिस्टेम्स आर यंग टिश्यूज और ग्रुप्स ऑफ सेल दैट रिटेन द पोटेंशियल टू डिवाइड. मेरिस्टेम्स ऐसे यंग टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड होने का पोटेंशियल रखते हैं. इन लोअर प्लांट्स द एंटायर प्लांट बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, बट इन हायर प्लांट्स द एंटायर प्लांट बॉडी इज नॉट कैपेबल ऑफ ग्रोइंग, बट ग्रोथ इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन नोन एज ग्रोइंग पॉइंट्स. अब ये बताया जा रहा है कि जो लोअर प्लांट्स हैं, ठीक है, जो कि बहुत यानी कि बल्कि नहीं होते, उनके अंदर पूरी की पूरी जो बॉडी है वो ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है, एंटायर प्लांट बॉडी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग. लेकिन जो बड़े दरख्त होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े हमारे पास वास्कुलर बंडल्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि पूरे का पूरा दरख्त अपना ग्रो नहीं करता, उनके सर्टेन लिमिटेड पार्ट्स जो होते हैं, लिमिटेड पार्ट्स जो हैं, लिमिटेड रीजन्स जो हैं, वो ग्रो करते हैं, और उन रीजन्स को क्या कहते हैं, ग्रोइंग पॉइंट्स कहते हैं. ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं. दीज ग्रोइंग पॉइंट्स कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डिवीजन. दीज ग्रोइंग पॉइंट्स आर कॉल्ड मेरिस्टेम्स. वही बात है कि कहाँ से हो रही है, स्पेशल ग्रोइंग पॉइंट्स के से, यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, किन प्लांट्स की, वास्कुलर प्लांट्स की, और इन स्पेशल पॉइंट्स को क्या कहते हैं, मेरिस्टेम्स कहते हैं. और हमने पहले जिस तरह पढ़ा, इन मेरिस्टेम्स के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि पोटेंशियल रखते हैं किस चीज की, डिवाइड होने की. दीज मेरिस्टेम्स कॉल्ड सेल्स आर लोकेटेड एट द स्टेम एंड रूट्स एंड दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. अब हम बात करने जा रहे हैं एपिकल मेरिस्टेम की, कि एपिकल मेरिस्टेम क्या है और कहाँ पे पाई जाती है. तो सबसे पहले हम एक तस्वीर देख लेते हैं, कि ये हमारे पास एक तस्वीर है जिसके अंदर ये शो किया जा रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम यहाँ पाया जाता है. अगर एक हम तना लें, तने की टिप को देखें, तो टिप पे हमें ये छोटे छोटे से यहाँ पे जो हाइलाइटेड पोर्शन है ब्लैक कलर का, यहाँ पे कुछ छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे, और ये सेल्स क्या होंगे, टोटिपोटेंट होंगे, इनके अंदर डिवाइड होने की पोटेंशियल होगा. अब ये है कि ये क्या सिर्फ तने के टॉप पे पाए जाएंगे, नहीं, ये अगर हम रूट्स की टिप्स की तरफ भी देखें तो वहां पे भी हमें ये एपिकल मेरिस्टेम मिलेगी. अब हम देख लेते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में. द एपिकल मेरिस्टेम आर फाउंड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट आर प्राइमरली कंसर्न विद द एक्सटेंशन ऑफ द प्लांट बॉडी. के एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाया जा रहा है, रूट्स की और शूट्स की टिप के ऊपर, और इसका प्राइमरी कंसर्न क्या है, कि इसने प्लांट बॉडी की एक्सटेंशन करवानी है. और उसके अलावा ये कहाँ पे पाया जा रहा है, फाउंड एट द एपिसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम, के एपिक्स पोर्शन पे, जहाँ टिप्स वाले पोर्शन है वहां पे ये हमें एपिकल मेरिस्टेम मिलेंगे. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम, सो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्राइमरी ग्रोथ. के जो हमारे ये जो एपिकल मेरिस्टेम्स हैं, ये क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं कहाँ पे, टिप्स एंड टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं. यहाँ पे जब पाए जाएंगे, अगर ये पोटेंशियल है इनके पास डिवाइड, साफ जाहिर है इन्होंने ऊपर की तरफ ही मूव करना है. और जो यहाँ नीचे, अगर स्टेम की बात करें, यहाँ पे जो स्टेम हमारे पास रूट्स होंगी, तो रूट्स की टिप पे होंगे, वहां पे भी ये इंक्रीज इन साइज करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ होगी. अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी टाइप क्या है, इंटरसेलरी या इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब ये है कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम एपेक्स बाय परमानेंट टिश्यू. इसे हम बाद में करते हैं, इसे समझने से पहले हम देख लेते हैं लेटरल मेरिस्टेम, इससे आपको इंटरसेलरी मेरिस्टेम को समझना आसान हो जाएगा. तो
लेटरल मेरिस्टेम के बारे में क्या कहा गया है? लेटरल मेरिस्टेम आर सिलेंडर ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। कि ये लेटरल मेरिस्टेम्स क्या होंगे कि सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम है, ये आप देख रहे हैं लंबे लंबे, ये वाला पोर्शन जो है, तो इनके लंबे लंबे होने की वजह से इन्हें क्या कहा जा रहा है? सिलेंडर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। दे आर प्रेजेंट इन डाइकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। डाइकॉट्स वगैरह जिस तरह के हमारे पास चना हो गया और उसके अलावा गंदुम होगी, इस तरह के प्लांट्स को क्या कहा जाता है? डाइकॉट्स कहा जाता है। और जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हमारे पास फ्रूटिंग प्लांट्स होते हैं जिनके सीड्स बाहर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। तो ये लेटरल मेरिस्टेम ज्यादातर डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर पाएंगे, आपको मिलेंगे। वैस्कुलर एंड कोर कैम्बियम आर द एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। अब वास्कुलर और कोर कैम्बियम के जिससे हमने पढ़ा था कि दरमियान में एक कैम्बियम पोर्शन होता है, अगर जो बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है, कैम्बियम का पार्ट, उसे क्या कहेंगे? वास्कुलर कैम्बियम। और जो साइड पे जहाँ पे बार्क वाला रीजन होगा वहाँ पे जो हमारे पास कैम्बियम पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? कोर कैम्बियम कहेंगे। तो ये वास्कुलर और कोर कैम्बियम जो है ये क्या है? लेटरल मेरिस्टेम की एग्जाम्पल है। दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम एंड रूट एंड इन सेकेंडरी ग्रोथ आर डिटरमाइंड। अब साफ जाहिर है कि ये जब ये वाले साइड्स पे होंगे तो इन्होंने इन साइड्स पे ही ग्रोथ करवानी है। इस साइज की इन साइड पे होने की वजह से क्या होगा कि हमारे जो प्लांट का जो तना है उसकी जो गिर्थ है, मोटाई है, वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारा जो यानी कि पौधा है या हमारा दरख्त है वो क्या होगा? अपनी मोटाई के अंदर बड़ा होगा। दे ग्रो टू सर्टेन साइज एंड देन स्टॉप लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स व्हाइल अदर्स आर इंडिटरमिनेट। दे ग्रो बाय मेरिस्टेम दैट कंटिन्यूअली रिप्लेनिश देमसेल्फ रिमेनिंग यूथफुल वेजिटेटिव रूट्स एंड स्टेम। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे इंटरसेलरी मेरिस्टेम की। अब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। दीज आर द पार्ट्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम विच गेट सेपरेटेड फ्रॉम द एपेक्स बाय परमानेंट टिश्यू। अब ये है कि ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, ये जो एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स हैं वो जब वो यानी परमानेंट टिश्यूज के अंदर डिवाइड हो जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि कुछ एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं, टोटिपोटेंट सेल्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। किसकी वजह से? परमानेंट टिश्यूज की वजह से। और फिर क्या होता है कि दे आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स इन मैनी प्लांट्स। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। दीज आर ऑफ द टेम्परेरी नेचर। कि क्या होगा कि जब एपिकल मेरिस्टेम वाले पोर्शन से अलहदा होंगे तो इनके दरमियान गैप आ जाएगा किस चीज़ का? परमानेंट टिश्यूज का। और इसके बाद क्या होगा कि ये एक साइड पे लग जाएंगे और फिर यहाँ से क्या होगा कि हमारी जो ब्रांचेस वगैरह हैं वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी और फिर वहाँ से क्या होगा? लीव्स वगैरह निकलेंगे। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं? इंटरसेलरी मेरिस्टेम की वजह से हो रहे हैं।